गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। आई होप सारे बढ़िया होंगे। सो गाइज आज की वीडियो शुरू हो रही है कुछ इस तरह की जगह से, देख सकते हो यार। सो फिलहाल टाइम हो रहा है अभी 10 बज चुके हैं और तुम्हारा भाई जा रहा है फिर से आज सर्विस सेंटर और इसकी इंजन वॉइस की जो प्रॉब्लम है वो ठीक करवाने के लिए। सो गाइज इसकी टैप पिट जो है वो फिर से लूज़ हो चुकी हैं पूरे तरीके से, इतनी गंदी साउंड कर रही है ना, और एवरेज की तो बाट लग चुकी है यार इसकी। बहुत ज़्यादा फ्यूल खा रही है यार ये टैप पिट लूज़ होने की वजह से, बार बार इसकी टैप पिट लूज़ हो जा रही हैं। मुझे तो लगता है यार इसमें कैमशाफ्ट की प्रॉब्लम है या इसके रोकर चेंज हो गए और कैमशाफ्ट। तो चलो आज मैं किसी और सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आज पालमपुर, और पालमपुर का सर्विस सेंटर जो है इधर से है 54 किलोमीटर। सो अभी मैंने 7-8 किलोमीटर जो कवर कर लिया है। तो आज काफ़ी बड़ी मौसम है और धूप भी काफ़ी बड़ी लगी है यार। बाकी रोड तो अभी वैसा ही है, कीचड़ से भरा हुआ। सो चलो देखते हैं क्या बनता है, शायद आज रिपेयर हो जाए। ये टैप पिट पता कैसे लूज़ हुई है, एक तो मैं अपने जो नियर बाई सर्विस सेंटर है जहाँ पे मैंने ये बाइक परचेज़ करी है उधर गया हुआ था पहले। सो उनको ये जो इंजन की प्रॉब्लम है ये दिखाने के लिए, तो उसने जो है पूरी बाइक खोल दी, ऊपर का हेड जो होता है इंजन का जो टॉप पे होता है जहाँ पे रोकर्स और कैमशाफ्ट लगे होते हैं। सो गाइस उसको खोलने के बाद ना उसने वो चेक करी, पता नहीं अब क्या उसको पता नहीं लगा कि क्या बट है प्रॉब्लम इसके हेड में ही। बट फिर उसने जब बंद करी ना तो ऐसे बंद कर दी, बंद करने के बाद उसने जो इसके टैप पिट वगैरह सेट नहीं किए, तो इस कारण भी बहुत ज़्यादा अब तो हद से ज़्यादा लूज़ हो गई है। सो अब इधर से हमने जाना है अंदर की तरफ पेट्रोल पंप, पेट्रोल फिलअप करवाना भाई, थोड़ा सा पेट्रोल ज़रा भी नहीं है इसमें। फ्यूल डलवा लिया बाइक में थोड़ा सा, और अभी जो है ना इसकी फ्रंट वाली ब्रेक इतने अच्छे से काम नहीं कर रही है यार, क्योंकि इसके ऊपर ना यार डीजल गिर गया था ब्रेक पैड्स के ऊपर भाई। उसके बाद ना इसकी पता नहीं ब्रेक पैड्स फूल गए हैं कि क्या यार, अच्छे से ग्रिप नहीं कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है ये अभी चेंज करवाने पड़ेंगे, अभी चेंज करवाए थे कुछ टाइम पहले। चलो देखते हैं, या फिर इनको थोड़ा सा निकाल के थोड़ा घिसेंगे और शायद उसके बाद ठीक हो जाए। भाई ये क्या कर दिया यार, देख रहे हो सामने, देखो यार यहाँ से जब जहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ ना, कैसे यहाँ पे पूरा पहाड़ था, बस ये ऊपर जो सड़क दिख रही है बस ये सड़क थी इधर, ये पूरा इन्होंने इतनी ऊंचाई से देखो काट रही है नीचे तक भाई क्रेजी सीन है यार। गाइस धूल इतनी ज़्यादा होती नहीं इस रास्ते पे, जाने का मूड भी नहीं करता, बट क्या करें यार एक यही रास्ता है, दूसरा रास्ता भी है बट वो थोड़ा सा यार लिंक है, फिर इतनी ज़्यादा चढ़ाई उतराई पड़ जाती है उसमें। नहीं एक तो प्रॉब्लम ये है ना कि इस बाइक का सामान मिलता नहीं यार इतनी आसानी से, बहुत टाइम के बाद मिलता है। एक तो देखो जो मैंने कांगड़ा वाला सर्विस सेंटर था उधर भी उन्होंने बोला था कि रोकर ऑर्डर करके रखे थे उन्होंने इसके, बट आज तक सर्विस के बाद मैंने 1000 किलोमीटर चला दिया अराउंड 2-3 हफ्ते, 1 महीना तो हो ही गया, बट इसका अभी तक मुझे रोकर उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया कि आपके रोकर आ गए हैं आप डलवा लो। यार इतने केयरलेस हैं इनके सर्विस सेंटर वाले, और जो भी इन्होंने गूगल वगैरह पे नंबर डाल के रखे होते ना वो तो कभी लगते नहीं है यार इनके, कभी भी नहीं लगेंगे, कभी भी नहीं। आज भी सुबह कॉल कर रहा था मैं भाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इनके कॉल्स का, क्या बोल ले फिर इनको। फाइनल टाइम देखूँगा मैं ये चीज़, अगर ये बाइक ठीक होती है इसके इंजन वाइज तो भाई इसको रखेंगे अपने पास, नहीं तो फिर इसको सेल कर देंगे यार और बाइक लेंगे कोई। हमने चल रही थार, वो देखो क्या लगती है यार, ये चेक करो भाई थार ब्लैक में यार इसकी लुक अलग ही आती है। गाइस ट्रैफिक में फंस गए यार, फंस गए सो गाइस थार ओ भाई साहब अमेजिंग फील आती है यार इसको देख के ड्रीम कार है यार अपनी, ये लेके यार एक दिन जरूर लेंगे। सो गाइस एक ये और एक Z900 दो चीजें भाई साहब देखो एक ही ये देखो कैसे जा रहा है ओ भाई साहब लगा दी थी इसने भी देख भाई हैवी ड्राइवर है यार ये, एक तो गाइस ये हॉर्न इतने मारते हैं पीछे से, ट्रैफिक में चला यार उड़ के चला जाएगा क्या, चला रहा है पीछे पीछे जब तक रास्ता नहीं मिलता, इतनी जल्दी होती ना इन बंदों को, क्या बोल दूँ यार। कंट्रोल है गाइस क्रूज कंट्रोल देख रहे हो कुछ चल रही है यार कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं सस्ता क्रूज कंट्रोल गाइस
क्रूज कंट्रोल से नहीं बस GTT बोल सकते हैं इसको, जो कि TBS जो फीचर प्रोवाइड करती है बाइक में। चूँकि कुछ इस तरह की जगह पे ये देखो इधर से गुजरेगा अपना 4 लेन, ये जो इन्होंने इतने बड़े बड़े ये लगाए हैं इनके ऊपर से कांगड़ा जाना होगा तो इनके ऊपर से जाना पड़ेगा, या फिर दूसरे रास्ते से भी जा सकते हो टनल क्रॉस करके जो पुरानी वाली ओल्ड टनल है, या फिर न्यू टनल जो बनी है उधर से भी आ सकते हो। आपको बाजार वगैरह में काम है तो कांगड़ा से सीधे चले जाओ जो ओल्ड टनल से, और अगर नहीं जाना चाहते हो बाजार में तो इधर से निकल जाओ सीधे धर्मशाला वगैरह के लिए, ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा, सिंपल सी बात। फाइनली पहुंच चुके TBS के सर्विस सेंटर, पीछे रह गए यार भाई, ये सर्विस सेंटर की घर है देखो यार बाइक चेक करवानी है। हाँ जी कोई फायदा नहीं हो यार इधर आके भी, ये बोलते हैं हमारे पास भी सामान नहीं है, ते वापस कांगड़ा में पूछ लेंगे एक बार अगर होगा कुछ तो। तो गूगल मैप्स पे जो है फोटोज़ वगैरह डाली थी ना शोरूम की, भाई इतना हाई फाई शोरूम लग रहा था ना, और इधर जाके देखा भाई एक घर है जिसके नीचे बस एक ग्राउंड फ्लोर है, बस उसमें शोरूम इन्होंने बस सर्विस सेंटर अपना ये किया है बनाया यार। इतनी क्या बोलूँ यार, इतनी बड़ी कंपनी है TBS और सर्विस सेंटर देखो इनके, एक ढंग का सर्विस सेंटर नहीं कहीं भी इनका। ये बोल रहे हैं कि हमें सामान कांगड़ा से आता है, और कांगड़ा वाले बोलते हैं हमें सामान पालमपुर से आता है, हद है। गाइस व्यू देखो यार, छोड़ो इन सब बातों को, व्यू चेक करो भाई, ये देखो क्या औसम व्यू है यार ये गाइस पालमपुर। सो गाइस विक्रम बत्रा मूवी देखी होगी सब ने, तो वो बंदा इधर से ही है जो शेरशाह मूवी है जिसमें विक्रम बत्रा था वो बंदा। सो गाइस फाइनली अभी रुके कुछ इस तरह की जगह पे जो पहले रुके हुए थे जहाँ पे हम, भाई ये देखो यार कसम से यार इतना प्यारा व्यू कहाँ देखने को मिलेगा, देख रहे हो, और अपने ड्रैगन की हालत कीचड़ से पूरा गंदा हो गया पीछे से, तो कांगड़ा आना तो महाभारत के इसमें बराबर है एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और इस साइड है एक ट्रेन की पटड़ी, ये चेक करो और नीचे पानी। ऐसे एक बार फिर से देख लो ये व्यू, और चलो अभी चलते हैं इधर से भाई, कीचड़ देखो कहाँ तक आया है भाई, कितना प्यारा व्यू है। और तो चलो चलते हैं अभी कांगड़ा चलते हैं सर्विस सेंटर, उधर एक बार पता कर लेते हैं। तो यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और जैसे बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं ना इस ब्रिज के ऊपर, भाई ऐसे हिल रहा है ना ये ब्रिज, वाइब्रेट कर रहा है यार गाइस ये प्लेस चेक करो क्या खतरनाक है यार, देखो भाई क्रेजी आगे जाएगी नहीं जाएगी। सो गाइस अपने सामने चल रहे 70-80 लाख जीप रैंगलर देख सकते हो भाई, क्या उसम लग रही है रेड कलर में, क्रेजी भाई कितनी ब्रॉड लुक है यार इसकी,
और रोड प्रेजेंस एक नंबर। साइड से देखो रूबिकॉन। तो गाइस अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ सर्विस सेंटर कांगड़ा के, और चलो पूछते हैं उनसे आज जाके क्या सीन है। इस बंदे ने ना इंडिकेटर दिया ना कुछ, देखो। तो गाइस अभी उनसे पूछते हैं, और कैमरा मैं बैग में डालूंगा यार, ऐसे चिढ़ते हैं फिर। अभी आ चुके हैं सर्विस सेंटर से वापस, और उधर रोकर्स वगैरह का पता किया। गाइस अभी तक रोकर वगैरह कुछ नहीं आए हैं उनके पास, यही दिक्कत है यार इसकी, पार्ट्स वगैरह नहीं मिलते यार, क्या करूँ अब मैं। तो चलो देखते हैं क्या बनता है, सेल कर दूंगा यार इसको मैं, नहीं रखूंगा अब, देखते हैं कोई और, क्योंकि घूमने जाने का प्लान होता है यार कहीं, बट क्या करें इसके पंगे ख़त्म नहीं होते। तो चलो इसी के साथ वीडियो कर देते हैं एंड। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो गाइस इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय गाइज़।